Question number four. Two springs are in series combination and are attached to a block of mass m. दरअसल ऐसा दिया हुआ है. और एक क्वेश्चन ऐसा ही आपके एग्जाम में भी आया था जिसमें स्प्रिंग बैलेंस था. तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसमें एक्सटेंशन X1 का है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और इसमें एक्सटेंशन X2 का है. ये मास M है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको, यहाँ M इंटू G लग रहा है. आप ये देखो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है. तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसमें कि इसका इक्विवेलेंट निकालना भी बताया था हमने, इसका इक्विवेलेंट भी फाइंड किया था अगर आपको याद हो तो, कि इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के है. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दरअसल, अब जैसे ये स्प्रिंग से तो जब अगर मास अटैच नहीं था तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था, यानी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर थी, ये दूसरी स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पर थी. लेकिन जब मास अटैच किया तो इसमें मान लो एक्स वन का एक्सटेंशन आया और इस वाली स्प्रिंग दूसरी वाली स्प्रिंग में, यानी S1 में X1 का आया, S2 में X2 का आया, तो इसमें टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट का वो X1 प्लस X2 है ना. इसका मतलब है कि यही सेम मास अगर मैं यहाँ अटैच करूँ तो यहाँ भी जो एक्सटेंशन होगा इसमें इस स्प्रिंग में वो हम लोग X1 प्लस X2 का ही मानेंगे. ओके, तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, यानी ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, तो mg इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा. और आप देखो कि ये ब्लॉक रेस्ट पर है ना. तो मैं इस पूरे सिस्टम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको पहले. तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओगे तो क्या हो रहा होगा देखो यहाँ, क्योंकि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितने का है, X2 का है, तो इसको डाउनवर्ड फोर्स, यानी इस स्प्रिंग को डाउनवर्ड नहीं बल्कि ये जो पॉइंट यहाँ है इस पॉइंट को स्प्रिंग ऊपर कितने से खींच रही होगी, K2X2 से, सॉरी K1X1 से, क्योंकि नीचे वाला K2X2 है. तो ये नीचे वाला पॉइंट इसको कितने से खींच रहा होगा, K2X2 से. ये स्प्रिंग कितने से खींच रही है इसको, K2X2 से. और ये नीचे वाली स्प्रिंग भी इसको खींच रही होगी कितने से, K1X1 से, है ना. तो K1X1, तो ये भी ऊपर की तरफ इसको K1X1 से खींच रहा है. फिर यहाँ भी क्या होगा, K1X1 होगा, और यहाँ क्या होगा इसको डाउनवर्ड MG लग रहा होगा. तो यहाँ इसको क्या लगना चाहिए, K1X1. तो अगर ये रुका हुआ है तो इसका मतलब K1X1 इक्वल टू MG होना चाहिए. और ये पॉइंट भी आप देख रहे हो कि रुका हुआ है, मासलेस पॉइंट है, यानी नेट फोर्स वहां भी क्या होना चाहिए, जीरो. तो K1X1 इक्वल टू क्या होगा, K2X2 होगा. तो एक आंसर तो इसका सी आ गया, है ना. एक आंसर तो क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, तो वो तो आ गया mg एक तो, और एक यहाँ से आएगा ये. तो यहाँ से इसका मतलब अपने को क्या करना है, सिर्फ k निकालना है कि k क्या है इसका. तो k निकल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी, है ना. यही मतलब हुआ, k निकल गया तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ वो यहाँ से निकालेंगे. देखो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ, mg by k1. x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये भी तो mg के इक्वल ही हुआ, तो यानी हो गया mg by k2. तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, mg इक्वल टू k x1 प्लस x2 है. तो क्या करेंगे यहाँ, एम जी इक्वल टू के, इसको लिखेंगे एम जी बाई के वन प्लस ये हो जाएगा एम जी बाई के टू. तो आप देख रहे हो कि वन बाई के इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू. ठीक है, इसका मतलब के की वैल्यू क्या मिल गया अपने को यहाँ, के वन के टू डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू. तो सीरीज में होने की वजह से आप इसको डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आपने ट्वेल्थ में रेजिस्टेंस का देखा होगा कि जब पैरेलल में होते थे तो आप, ये स्प्रिंग है तो वहाँ सीरीज में क्या होता था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में अगर होता था तो वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर टू वन प्लस वन बाई आर थ्री इक्वलेंट रेजिस्टेंस हुआ करते थे. यहाँ स्प्रिंग के केस में ये सब सीरीज में है, तो यहाँ सीरीज में उल्टा हो रहा है,
यहाँ 1 by k equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 plus 1 by k4 and so on, ऐसे चलता जाएगा अगर सब सीरीज में है तो ये वैल्यू वहां रख दो किस वाली इक्वेशन में, तो ये इसकी रीडिंग आ जाएगी ना, तो रीडिंग आ गई इसकी एम जी इक्वल टू के वन के टू बाई के वन प्लस के टू एक्स वन प्लस एक्स टू, तो इसका ऑप्शन हो गया ए एंड सी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जाना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, लिख लीजिए। तो क्या कह रहा हमने पहले इसको, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आ रही है। लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। थोड़ा नीचे लिख लीजिए। अच्छा, संडे को क्लास कितने बजे रखना है? शाम को। संडे को आपका वो है क्या, कोई मतलब बीपीटी तो नहीं ना आपका, है क्या कोई एग्जाम तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर सुबह रख लें। सुबह मैथ्स लेक्चर है। कितनी बजे से? 7:30। 7:32। बताओ सर, कल का डाउट लेक्चर कौन लेंगे? कल डाउट लेक्चर है आप लोगों का? हाँ सर, 2 to 4। अच्छा, तो मेरे ख्याल से विनीत सर का लगाया होगा फिर। ठीक है। Yes, संडे को 7:30 से 9 o'clock तक है मैथ्स। 7:30 to 9 o'clock है, तो फिर हम लोग 10 बजे से रख लेते हैं। ठीक है, 10 to 12 चलेगा? है ना? हाँ सर। ठीक है भाई। हाँ सर। 10 to 12 संडे को। हाँ, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो। हाँ लिख लिए। हाँ सर हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव है, इसमें क्या दिया हुआ अपने को कि ये पुली है, और ये लिफ्ट है, और ये दूसरी पुली इधर है, और यहाँ ये दो ब्लॉक इससे अटैच है, ये ए और ये बी,
और ये पुलिया है, तो ये हमारे पास हो गया सी और ये डी, ये पी वन है, ये पी टू है और ये पी ए। ये पूरा एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है यहाँ, और ये कह रहा है कि ये जो लिफ्ट है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ओके, और क्या क्या दिया हुआ इसने देखो, तो दिस पुली अदर टू पुलीज पी वन एंड पी टू आर अटैच्ड, पी वन मूव्स अप, पी वन ये जो पी वन पुली है ये ऊपर कितने से जा रही है, ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ए मूव्स अप, ए भी ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। डी इज मूविंग डाउनवर्ड, डी नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। इस इंस्टेंट पर सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अज्यूम दैट ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटेड टू द ग्राउंड, देन चूज द करेक्ट, फिगर आ वेलोसिटी ऑफ बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी बताना है। तो क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो पुली है पुली पी, ये पुली पी ऊपर कितने से जा रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 10 मीटर पर सेकंड से ये पुली ऊपर जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रोप के लिए कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, सिर्फ इस रोप के लिए। तो अगर इस रोप के लिए बात करेंगे तो देखो, यहाँ इसको टी लग रहा होगा, यहाँ टी लग रहा होगा, यहाँ टी लग रहा होगा, यहाँ टी लग रहा होगा, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो कर दे तो पी टू पुली की वेलोसिटी मिल जाएगी अपने को। तो मैंने मान लिया ये जो पुली है ये मान लो नीचे की तरफ जा रही है, कितने से मान लिया मैंने, वी पी टू से। ओके, अप्लाई करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी रोप के लिए लगाएंगे। तो पी वन पुली ऊपर कितने से जा रही है, तो 30 से, तो 30 into t माइनस 10 into t माइनस 10 into t, कहाँ के लिए लिखा मैंने, यहाँ के लिए देखो, क्योंकि ये पुली ऊपर जा रही है, टी नीचे लग रहा है। इसका देखो यहाँ इस पी टू के यहाँ एंड पर, तो क्या लिखेंगे, माइनस टी वी पी टू इक्वल टू जीरो। आप देखो टी तो यहाँ जीरो नहीं है, तो कितना आ गया है, 10 है ना, मतलब कितना हो जाएगा, 30 minus 20 माइनस वी पी टू इक्वल टू जीरो। तो वी पी टू इक्वल टू कितना आ गया, देखो आप 10 meter per second आ गया। इसका मतलब है ये कितने से जा रहा है, 10 meter per second से, जिधर माना इसका मतलब नीचे जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉइंट समझ में आया पहले तो? Yes, sir. तो हमें अभी आंसर नहीं आया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसके इस रोप के लिए लेंगे, किस रोप के लिए बात करेंगे, अब हम लोग इस रोप के लिए बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो सी ब्लॉक है, मैंने मान लिया वी सी से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, देखो इसको इधर की तरफ लग रहा होगा, इसको इधर की तरफ टी वन मान लेते हैं, यहाँ टी वन होगा, यहाँ टी वन होगा और यहाँ T1 होगा और यहाँ इसको ऊपर की तरफ T1 लग रहा होगा। तो अप्लाई करते हैं देखो, तो क्या लिखेंगे, प्लस T1 into VC, ये नीचे आ रहा है तो प्लस 2T1 VP2, ये नीचे जा रहा है लेकिन T1 ऊपर लग रहा है, डी ब्लॉक की बात करो आप, तो माइनस 10T1 इक्वल टू जीरो। तो T1 तो यहाँ जीरो नहीं है, तो VC प्लस 2VP2 कितना है, 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो VC इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 10 meter per second। माइनस आने का मतलब है कि इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो गया हमारा, कि द वेलोसिटी ऑफ सी इज 10 meter per second डाउनवर्ड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब बात करते हैं वापस से इस बारे में, किस बारे में, इस रोप के लिए। ये ग्रीन कलर दिख रहा है सबको? हाँ, इसका देखो आप यहाँ इसको टी टू मान लेते हैं, इसको भी टी टू लग रहा होगा ऊपर, इसको टी टू लग रहा होगा और इसको टी टू लग रहा होगा। मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मान लो वी बी से। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो 10 into t2
ये पुली किधर जा रही थी, P1 किधर जा रहा था, मूस अप ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर से, है ना, यही था ना भाई। तो 30 से ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, -30 × T2 - 30 × T2, इन दोनों एंड के लिए लिया मैंने, है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा, T2 VB = 0, तो T2 तो यहाँ 0 नहीं है, तो 10 - 60 - VB = 0, VB = क्या आ गया, -50 m/s, इसका मतलब मैंने किधर माना है, नीचे माना है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है कितने से, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो गया हमारा, कि वेलोसिटी ऑफ बी इज 50 m/s अपवर्ड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट। ये समझ में आया सबको? अच्छा भाई, बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या कॉन्सेप्ट में, कैसे कर रहे हैं? लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन नंबर 8। चल हो गया, लिख हो गया, लिख लिया, गुड। क्वेश्चन नंबर 8, लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अपने को चाहिए, तो आपको क्या, देखो स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग क्या मानते हैं, मासलेस मानते हैं, और ये स्प्रिंग बैलेंस है यानी इसमें एक्सटेंशन है, तो क्या होगा, यहाँ देखो इसका मतलब यहाँ हुआ कि इधर अगर इसको टी लग रहा है, अगर ये मासलेस है, इसका मतलब यहाँ टी है, तो यहाँ टी है, तो फिर यहाँ भी इसको टी ही लगेगा, क्योंकि ये मास लेस है। भले इसमें देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि स्प्रिंग बैलेंस का अगर मास जीरो है, और अगर मैं ये T1 और ये T1 और ये T2 लेता हूँ, तो आप यहाँ देखो कि ये अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो अगर मैं इस स्प्रिंग बैलेंस की बात करूँ पहले, तो नेट फोर्स क्या लिखूंगा मैं, T1 - T2 = मास तो जीरो है इनटू ए ना, तो आप देखो A1 यानी T1 = T2 आ गया, तो ये T तो मान लिया मैंने, ये लॉजिक समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी मान लो T1 लग रहा है, यहाँ भी T1 लग रहा है जो कि T है, यहाँ इसको T2 लग रहा है, यहाँ इसको T2 लग रहा है ना, तो आप देखो कि इसका अगर FBD की बात करेंगे हम लोग, तो अपने को क्या लिखना है, यहाँ देखो 40 × G - T जो कि T है लिख लिया मैंने, = 40 × A ना, फिर इसके लिए लिखोगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T, इसको चाहो तो T1 ले लो, तो 40 G - T = 40 A ऐसा लिख सकते हैं, और करके यहाँ T2 - 10 G = 10 × A और T - 10 G = 10 A लिख सकते हैं, सॉल्व कर लो, T की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्लियर है? तो क्या करेंगे, कैसे, इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2, 1 + 2 करो तो A मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 30 G = 50 A और G की वैल्यू कितना, 10, तो 300 = 50 A, तो A की वैल्यू कितनी आ गया, 6 m/s², ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो T = कितना आ गया, 100 + 10 × 6 यानी 160 न्यूटन,
160 न्यूटन का मतलब ये कह रहा है कि ये 10 into x है, x की वैल्यू कितनी आ गया 16, ये आंसर होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लो बता दो। नेक्स्ट हमारे पास में DPP-7, DPP-7 का क्वेश्चन नंबर 2। लिख लिया आपने? हाँ सर लिख लिया। नहीं सर एक मिनट रुके ना। हो गया? DPP-7 क्वेश्चन नंबर 2 भाई लिख लिया ने सबने? हेलो लिख लिया। अ बुलेट विद मजल वेलोसिटी, अब देखो वो क्या रहा है, एक मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक तरह से जो गन होता है गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ये कहने का मतलब है यहाँ, है ना। तो बुलेट विद मजल वेलोसिटी इज टू बी शॉट एट टारगेट 50 मीटर अवे इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ये कितना दिया है इसने, ये 50 मीटर दिया है, और इसकी जो स्पीड है यहाँ u इक्वल टू वो दिया इसने 10√10 मीटर पर सेकेंड। द हाइट अबव द टारगेट मस्ट द राइफल बी एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट इज। तो अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और इसको एक मिनट रुकिए।
देखो इसको कैसे करना है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैंने आपको एक बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था, उसको यूज करूंगा मैं यहाँ। ये ऐसे जा रहा है, ओके। तो ये कितना दिया है यहाँ, 50 मीटर दिया है। तो यानी ये पूछ रहा है कि यहाँ एम करने की बात कर रहा है, तो कह रहा है द हाइट अबव, यानी ये हाइट की बात कर रहा है ना। तो ये हाइट के लिए मैंने क्या कहा था आपको, अगर ये पार्टिकल को मान लो हमने यहाँ यू से प्रोजेक्ट किया है ना, तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, यानी एक तरह से यू वेक्टर टी ना, तो ये इसका क्या होगा, एक तरह से ये आर वेक्टर होगा इसका। तो ये मान लो एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये कितना होगा, यानी हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर मिला के क्या लिखोगे आप, आर वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी वेक्टर टी स्क्वायर, ऐसा कुछ वेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यानी अल्टीमेटली अपने को क्या चाहिए, यही चाहिए ये साइड से, क्योंकि वहां से जब ड्रॉप किया हमने, तो ये पार्टिकल डिस्टेंस कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर तो चलेगा। और यहाँ इसका ये टी क्या है, दरअसल ये तो टाइम पीरियड हो गया ना, टू यू साइन थीटा बाई जी तो हो गया है ना, है कि नहीं। या तो आप ऐसे कर लो, यस सर। और ये वैल्यू कहाँ से निकालोगे आप, ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर ये 50 है मान लो, है ना, तो ये क्या हो गया, इसका आर हो गया ना, आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। यू आपको दे रखा है, आर आपको दिया, तो थीटा मिल जाएगा ना यहाँ से, तो आप इससे ऐसा कर लो, इससे हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा, कर लोगे या फिर है ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर देखा जाए तो ये एंगल मान लो थीटा मिला, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि आप जी टी स्क्वायर एच जो है हमारे पास में, वो क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, टी की वैल्यू यहाँ से मिली जाएगी आपको। दूसरा तरीका ये है, इसका अल्टरनेट की अगर मैं बात करूँ, तो भाई थीटा तो मिल ही गया, तो थीटा मिल गया तो एच बाई आर इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ओके, थीटा यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि आर आपको 50 दिया हुआ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, एक मिनट कॉपी कर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, देखो है। जैसा क्वेश्चन करवाया तो मैंने कहा था कि जब भी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आए, तो वो जो ब्लॉक यानी जो वेस के ऊपर अगर ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेस के रेस्पेक्ट में मानना है, उसके बाद करना है। मतलब कैसे, फिर से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये जो एंगल हमारे पास में है, ये 45 डिग्री है, ये पी, ये क्यू और ये आर है, और यहाँ ये ब्लॉक है हमारे पास में, ये बी ब्लॉक है, ये बेस को ए लिया हुआ इसने। क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक ऑफ बी ऑफ मास दिया हुआ है, स्लाइड डाउन द स्मूथ पेस पी आर ऑफ बेस ए ऑफ मास, उसका मास भी दिया हुआ है,
which can move freely on its smooth horizontal surface, the inclination of the face, ab diya hua hai, the acceleration of a batana hai, vertical component of acceleration of b batana hai, the horizontal component of acceleration of b batana hai, theek hai. To kya karunga main yahan, b ka acceleration yani acceleration of b with respect to a maine maan liya ki b hai. और जब ये ब्लॉक आप खुद ही देखिए, ये ब्लॉक जब इधर आएगा, जब ब्लॉक अगर नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या होगा, इस दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स होगा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
45. जब आप बेस का FBD बनाओगे तो इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा था. नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या है यहाँ एन साइन 45, ये 45 है. तो इसका जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है. यानी वेस का मास मैंने मान लिया m1 है क्योंकि ये a है तो m1 मान लिया मैंने. तो n साइन 45 इक्वल टू m1 इनटू a, इक्वेशन नंबर 1. यहां हमने ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेस मान रखा है. तो FBD ऑफ ब्लॉक, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे क्योंकि ये तो वेज के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया ना. तो मतलब सॉरी, वेज रेस्ट पर आ गया है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो वेज को क्या कर देंगे हम लोग, रेस्ट पर ले आएंगे. तो वेज तो रेस्ट पर आ गया, तो वेज जा किधर रहा था, लेफ्ट साइड में. तो इसको शूडो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में. कितना लगेगा, इसका मास मान लिया मैंने एम टू इनटू ए लगेगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ए था. इसको नॉर्मल जो कि हो तो रियल फोर्स है तो रहेगा है, और डाउनवर्ड एम जी ये भी रियल फोर्स है तो एम टू जी ये भी रहेगा. तो ये इसके अलोंग मूव करेगा और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो ये मूव करेगा नहीं. मतलब सॉरी, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो मूव करेगा नहीं, उसके अलोंग तो मूव करेगा. सबको रिजोल्व कर लेंगे. तो ये एंगल कितना निकल के आता है, 45 है ना. तो ये एंगल भी कितना होता है, 45. और हमें ये भी मालूम है कि एंगल कितना होगा, 45. तो रिजोल्व कर लो यहाँ. तो आप देखोगे कि एम जी का एक कंपोनेंट इस ब्लॉक पर कौन जितने भी फोर्स है सबको इधर हम लोग लिख लेंगे. इधर क्या मिलेगा, एम टू जी साइन 45, इधर मिलेगा एम टू जी कॉस 45, इधर मिलेगा नॉर्मल, और इधर ही मिलेगा अपने को एम टू ए साइन 45, और इधर मिलेगा एम टू ए कॉस 45. तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने क्या माना हो इसके रेस्पेक्ट में, बी. तो हम लोग लिखेंगे एम टू जी साइन 45 प्लस एम टू ए कॉस 45 इक्वल टू एम टू इंटू बी. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. और नॉर्मल के अलोंग इसका मोमेंट है नहीं, तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. यानी एन प्लस एम टू ए साइन 45 और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम टू जी कॉस 45. ये इक्वेशन नंबर 3 है. तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है. कौन कौन सा, ए बी और एन, सॉल्व कर लेंगे. लेकिन यहाँ जो बी आएगा वो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो जो आएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. अब उसका वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, देखो इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट है. तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना. तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ए को रिजोल्व करेंगे, तो ये वेज है. ये इसके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा. लेकिन अभी तो इसी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये बी मैंने लिया हुआ है. तो ये एंगल कितना है, इधर 45 होगा. इधर क्या मिलेगा, बी कॉस 45, और डाउनवर्ड क्या मिलेगा, बी साइन 45, क्योंकि ये क्या है, बी ए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है. तो यानी यहाँ लिखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बी कॉस 45 i cap minus b sin 45 j cap equal to acceleration of b with respect to ground minus a i cap acceleration of a with respect to ground. तो a b vector, ये क्या हो जाएगा, इधर plus उधर गया तो minus, यानी b cos 45 degree minus a. ये horizontal component होगा इसका, और vertical component क्या होगा, minus b sin 45 j cap. ये होगा फिर, सुन में आया. तो ये ओरिजिनल कंपोनेंट होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो मैग्नीट्यूड में देख लेना आप आंसर उसका, ठीक है. तो ऐसे करना था.
लिख लो इसको। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं इसको 10 बार पढ़ाऊंगा तब भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को खुद लेके बैठ के नहीं करोगे ना सॉल्व, तब तक ये वाला क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप इसको पहले आज इसी क्वेश्चन को बार बार करना है, एक दो बार कर लीजिए अपने समझ के अपने से, तो ये बात समझ में आ जाएगी करना क्या होता है। वरना ये हर बार पूछोगे आपसे मेरे से क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं, लिख लो इसको। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि आपके डीपीपी में डाउट कम आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, अच्छा है। डीपीपी में डाउट कम आने का मतलब होता है कि या तो आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो चीजों को। भाई अपने से किया है ना लेकिन सारे क्वेश्चंस आपने। क्योंकि क्या होता है तो डीपीपी जिनके सॉल्यूशन भी पड़े हुए हैं नेट पर, तो बच्चे वहां से भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। हो गया कॉपी कर लिया? नहीं सर। हाँ करो। हो गया? एक मिनट सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर शोन ए एंड बी आर फ्री टू मूव, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी मोर देन जी साइन थीटा। चलो देखते हैं। फिर द एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी लेस देन जी साइन थीटा। Normal force on A due to B will be more than mg cos theta.
वो भी देखते हैं. नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी लेस देन एम जी कॉस थीटा. चलिए देखो हो क्या रहा है यहाँ. वापस से ऊपर वाला ही क्वेश्चन है वैसे तो, वो फिर से इसको समझ लेते हैं. ये एंगल थीटा है, इस ब्लॉक को हमने रिलीज किया. ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. तो क्या होगा जब ये मूव करेंगे तो दोनों के बीच में नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल किधर लग रहा होगा, इधर है ना, और इसको नॉर्मल इधर लग रहा होगा. डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है. ठीक है, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी मोर देन जी साइन थीटा. देख लेते हैं है कि नहीं. तो यहां देखो आप, अगर ए का एफबीडी बनाते हैं, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, देखो यहां एम जी लग रहा है ना. और एक चीज और मैं चलो यहां से बताता हूं, नहीं तो आप यहां देखो इसको ऐसे ना करके ऐसा करते हैं हम लोग. इसका एफबीडी बना कर देखो, अभी समझ में आएगा. इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है ना. इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है. एमजी को आप रिजोल्व करो इसके लिए, तो इधर क्या हो जाएगा, एमजी साइन थीटा होगा ना, और एक एमजी का एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा. तो नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट यहाँ होगा वो एन साइन थीटा होगा. इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. क्यों होगा ये भी मालूम आपको, क्योंकि ये एंगल थीटा निकल के आता है. ठीक है, अब आप ये देखो, क्योंकि ये तो इधर मुंह करेगा ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट तो इधर है ब्लॉक ए का, और एक कंपोनेंट इधर होगा ना, होगा कि नहीं होगा. और कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर भी तो होगा, तो ये जो ब्लॉक ए है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, होगा कि नहीं होगा. तो ये मान लो अगर ए एक से ये ए वाई होगा, तो आप यहाँ देखो ध्यान से, जी साइन थीटा से ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि ऑफिस में इस क्वेश्चन, ये कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन था अपना. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मिनट, आज कुछ ज्यादा परेशान किया नेट ने यार. तो अब इसमें देखो, तो यहां से आप एम ए एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा, यानी ए एक्स इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा, और इधर की तरफ ए वाई तो क्या लिखोगे आप, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम ए वाई ना, यानी ए वाई इक्वल टू हमारे पास में जी कॉस थीटा माइनस एन बाई एम ना. इसका मतलब आप देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इसका जो है वो जी साइन थीटा से ज्यादा आ रहा है ना, यानी ये ग्रेटर देन क्या होगा, जी साइन थीटा होगा. ओके, ये तो सही है. तो ए बी गलत हो गया. फिर कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी मोर देन एम जी. तो यहां से देखेंगे हम लोग, तो आप देखो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए वाई. तो देखो एम जी कॉस थीटा से तो कम आ रहा ना वैल्यू, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया, डी सही है. नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी लेस देन एम जी कॉस थीटा, तो ये भी सही है. आंसर क्या होगा इसका, ए एंड डी हो गया. क्लियर है भाई सबको ये वाला पार्ट? यस सर. अब मैंने आपको उसका होमवर्क दिया था क्या, वर्क पावर एनर्जी का? यस
नहीं दिया था। हेलो सर, नहीं दिया था। अभी आ रहा है, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो मैंने क्या पूछा था अभी? सर्वर पावर एनर्जी का होमवर्क। होमवर्क किए आप लोगों ने? सर आपने सिर्फ सेक्शन ए ही बोला था, वो डिस्कस कर लिया लेकिन, है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिर ये बताओ मुझे। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ा के छोड़ा था? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात हुई थी हमारी। हाँ मैंने सर। कुछ फॉर्मूले भी बताए थे आपको, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो वो तो हो गया था, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात हो गई थी। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में इसमें नॉन कंजर्वेटिव। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव हो गया तो नॉन कंजर्वेटिव भी है। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा अब उसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट मैं वो शीट निकाल लेता हूँ। वर्क फॉर एनर्जी थ्योरी पार्ट लेक्चर नोट्स। हाँ तो नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है दरअसल, नेक्स्ट हमारे पास में वर्क पावर एनर्जी, डब्ल्यू पी ई। तो नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब भी होगा एनर्जी का हमेशा डिसिपेशन होता है और जो एनर्जी है जो वर्क है वो रिकवरेबल नहीं होता है इस केस में। ओके तो और राउंड ट्रिप में जो वर्क है वो जीरो भी नहीं आता है और पाथ जो है वो इंडिपेंडेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है जब भी ये वर्क करेगा। तो पहला पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is path dependent, work done by sir non-conservative work done by non-conservative force is path dependent, work done by work done by non work done by non conservative force is work done by non conservative force in a round trip is not zero. Work done by non-conservative force in a round trip is not zero. Teesra, work done
is not completely recoverable. तो मतलब यह हुआ कि अगर मान लो जैसे इस पाथ के थ्रू यहां गया या इस पाथ के थ्रू यहां गया ए टू बी, तो W1 और ये W2 है, तो W1 does not equal to W2 होगा। दूसरा, अगर ये मान लो राउंड ट्रिप में जाके वापस आता है, तो अगर ये A पॉइंट पर वापस आता है और पूरे राउंड ट्रिप में वर्क जीरो नहीं होता है। क्लियर? देख लो इसको। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो था एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। विस्कस फोर्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे, जिनमें एनर्जी का क्या होता है, डिसिपेशन होता है। ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात हो गई हमारी। सर लिख लिया, सबने लिख लिया भाई ये? नहीं सर। आप क्या है कि हम क्योंकि तो इतना ही इसके बारे में जितना ही समझना था अपने को, तो नेक्स्ट हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल फॉर एन ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, अभी पूरे सिस्टम के लिए बात करेंगे, लेकिन पहले पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से समझ लेते कर लेते, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर आऊंगा मैं। तो अब यहाँ क्या है कि कुछ फोर्स फील्ड है, उसमें बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ अ फोर्स ऑफ सम फोर्स फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी for some force fields, ठीक है, जो force होता है उसका अपना एक field होता है, उसको लेकर बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं यहां लेता हूं gravitational force। या वेट, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो हाइट होती है दरअसल वो लेस देन कैपिटल आर है, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, दरअसल यहां हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है,
लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तब हमें रेफरेंस लेना होगा, और रेफरेंस पॉइंट पर जनरली पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। तो यहाँ जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एच काफी स्मॉल है अर्थ की रेडियस के कंपेरिजन में, इसका कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है। ओके, और वैसे भी जब ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी तो इतना ही समझना है। अभी जो हमारे कोर्स में अभी तक इस लेवल पर है वो जी को कॉन्स्टेंट मान के करना है, ठीक है। और जो सरफेस है यहाँ अर्थ सरफेस है उसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे हम लोग, है ना। तो वहां पोटेंशियल जी क्या मानेंगे हम लोग, जीरो मानेंगे, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट जनरली इज टेकन एट अर्थ सरफेस, where potential energy is taken to be zero, okay। तो ये हमारा रेफरेंस है, ये मैंने मान लिया कि ये ए पॉइंटर एक ब्लॉक है, मान लो यहां इस ब्लॉक को हम लोग यहां लेके जा रहे हैं, यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और इसकी जो हाइट है ये एच है, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, यानी इस पूरे रेफरेंस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सब जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं हम लोग, जीरो, यानी आप यू ए बी ले सकते हो ऐसा। और मैं इसी से नीचे भी लेके जाऊंगा इसको सी पॉइंट पर, ये भी मैं एच ले लेता हूँ, ये सी पॉइंट है मान लो। इसको पहले ए टू बी लेके जाएंगे तो कितना वर्क करेंगे वो निकालेंगे, फिर ए टू सी जाएंगे तो कितना वर्क को सब निकालेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ ए टू बी के लिए बात करते हैं। तो आप देखो जब ए टू बी जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा ए टू बी, एम जी की वजह से एम जी इंटू एच इंटू माइनस, है ना, माइनस एम जी एच वर्क होगा। ये बात सनमारी क्यों होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो जी तो डाउनवर्ड ही लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो ये आगे पोटेंशियल। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बाय डेफिनेशन डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या बताया था, या डी यू इक्वल टू क्या देखा था, लिखवाया था मैंने डेफिनेशन में डी यू इक्वल टू लिखवाया था माइनस डब्ल्यू सी, याद आ रहा है, डी यू इक्वल टू क्या लेकर आया था, माइनस डब्ल्यू सी लिखवाया था, है ना। डब्ल्यू सी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, तो यहाँ इसका वर्क क्या हो गया, ये माइनस एम जी एच है ना, एम जी का वर्क क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डी यू मतलब क्या होता है, ये तो क्या आ रहा है प्लस एम जी एच आ रहा है, और डी यू मतलब यू बी माइनस यू ए, या पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो हमने जीरो माना हुआ है, तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू जीरो है ना, यू ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यू बी इक्वल टू, इसको आप चाहो तो यू ले लो, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। तो जब भी बॉडी ऊपर जाएगी, अर्थ सरफेस से ऊपर बॉडी जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है आपको, हमेशा एम जी एच लिखना है, क्या लिखना है, एम जी एच लिखना है, लिख लो इसको।
थोड़ा नीचे ले सकते हो क्या? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जीरो बोल रहा हूँ तो ये पूरी रेफरेंस लाइन के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है। यानी इस पूरी रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। क्योंकि इस पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ, है ना? इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी सब जगह क्या है? जीरो है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, मैं A टू सी के लिए बात करूं, मैं ए टू सी के लिए अगर जाएंगे तो आप देख रहे हो कि नीचे ही, इस केस में देखो आप, इसको डाउनवर्ड ही एमजी लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा, तो वर्क क्या होगा इस केस में इसका? तो डब्ल्यू ए टू सी कितना वर्क होगा? प्लस एम जी एच होगा। और सिंस डी यू इक्वल टू क्या है? माइनस डब्ल्यू सी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एम जी एच, क्योंकि ये डब्ल्यू सी तो है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यू सी माइनस यू ए, या पोटेंशियल एनर्जी एट सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू माइनस एम जी एच। और यहाँ पोटेंशियल हमने जीरो मान रखा है ए पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी या यू सी और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू क्या लिखेंगे? माइनस एम जी एच। यानी कुल मिला के कैसे याद रखना है वो मैं आप बता देता हूँ आपको। जो भी आप रेफरेंस मानोगे, जनरली कहाँ मानना है? अर्थ सरफेस पर। तो उस अर्थ सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना है? एम जी एच लिखना है। एच हाइट जाओगे, एच डेप्थ नीचे जाओगे तो क्या लिखना है? माइनस एम जी एच लिखना है। याद रहेगा ये पॉइंट? यस सर। तो ये इसको लेकर बात हो गई है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। लिख लिया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से समझना, देखो इसको। अच्छा, यहाँ जो नेचुरल यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो दरअसल इसके नेचुरल लेंथ है। तो नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज अ रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी is taken to be zero, क्योंकि देखो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, तो उसमें एनर्जी क्या स्टोर रहेगी? एक तरह से जीरो रहेगी। तो मतलब यह है कि मान लो जैसे कि ये स्प्रिंग है, और एक एंड इसका वहां फिक्स है और ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ, मतलब इसकी जो ये लेंथ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं।
स्प्रिंग की जो भी लेंथ है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तब उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। अब इसमें क्या होगा, दरअसल यहाँ अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, हमें इस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना, यानी यहाँ से इसको एक्सटेंड करके एक्स नॉट लेके जाना है, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो फोर्स इस पर लगेगा वो तो वेरिएबल फोर्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किसी इंस्टेंट पर चले जाएंगे। तो मान लो हम लोग इसको खींच के यहाँ कर ले आए, तो खींच के यहाँ लाए तो अपने आप तो नहीं आए, इसका मतलब फोर्स लगा रहे होंगे हम लोग इधर की तरफ, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मान लेते हैं कि इसमें जो एक्सटेंशन हुआ, ये एक्स का एक्सटेंशन हुआ, उसको फोर्स किधर लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पॉइंट को इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना, हरी बासन में। तो आप यहाँ देखो कि स्प्रिंग फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड में है ना। तो अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ चला जाता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो dx, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, dWs इक्वल टू kx dx ना माइनस के साथ, और इसको इंडिकेट कर देंगे जीरो टू एक्स नॉट, ये हो गया डब्ल्यू एस, और ये कंजर्वेटिव नेचर का है तो इसको डब्ल्यू से भी ले सकते हो आप, तो डब्ल्यू से इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एक्स नॉट, यानी माइनस के एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाई टू, ये हमारे पास आ गया। और डेफिनेशन क्या कहती है, सिंस डी यू इक्वल टू क्या है माइनस डब्ल्यू सी, ये कितना हो गया तो प्लस हाफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी यहाँ क्या लिखोगे आप, यू बी माइनस यू ए लिखोगे, लेकिन यहाँ तो हम लोग जीरो मान रहे हैं इसको, हो गया हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, या यू इक्वल टू यू बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। आई बात समझ में आ तक, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, आ रही yes, है? सर। यहाँ तक क्लियर है तो ये लिख लो पहले, फिर आगे की बात समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अब मान लो ये तो हुआ, लेकिन ये पहला पॉइंट था इसमें, हाँ इसमें क्या था, ये पहला पॉइंट एक्सटेंशन था इसमें ना, एक्सटेंशन। अगर मान लो कंप्रेशन होगा तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं, है ना, एक्सटेंशन का तो हमने समझ लिया कि जब भी एक्सटेंशन होगा, कॉन्सेप्ट अभी याद रखना है, जब भी एक्सटेंशन होगा
स्प्रिंग की एनर्जी क्या लिखना है आपको, के हाफ के एक्स या हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, जितना एक्सटेंशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपको लिख देना है, हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर या हाफ के एक्स स्क्वायर वाई का हुआ तो हाफ के वाई स्क्वायर, जेड को हुआ तो हाफ के वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और हमेशा पोटेंशियल चेंजेस की क्या लिखना है, इसमें नेगेटिव नहीं, अभी एक्सटेंशन क्या तो नेगेटिव नहीं है यहाँ, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज में रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, रेफरेंस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल चेंज आपको लिखना है। ठीक, अब मान लो मैं इसमें बात करता हूं कंप्रेशन की, सेकंड पार्ट, तो क्या हो गया यहां देखो, ये जो स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ अपने को दिया हुआ है, ये नेचुरल लेंथ है एल, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब हम लोग इस पॉइंट ए से इसको पॉइंट बी पर लेके जा रहे हैं, यानी ये जो है ये एक्स नॉट है। तो क्या होगा देखो, यहां किसी जनरल इंस्टेंट की बात करेंगे पहले हम लोग, तो मान लो मैं यहां इसको कंप्रेस करके यहां ले आया हूं, ठीक है, तो मैं इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं एक तरह से, तो स्प्रिंग फोर्स इसको किधर लग रहा होगा, राइट साइड में, है ना। तो अगर यहां से डिस्प्लेस होके मान लो मैं इसको यहां ले गया, तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, फोर्स इसको किधर लग रहा है, राइट साइड में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे आप, माइनस के एक्स इनटू डीएक्स लिखोगे और इसको इंडिकेट कर दोगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एस या डब्ल्यू सी, और इसको इंडिकेट करोगे जीरो टू एक्स नॉट। तो जब आप इंडिकेट करोगे तो माइनस के ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू एक्स नॉट, तो डब्ल्यू सी इक्वल टू जाएगा माइनस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, है ना। तो फ्रॉम डेफिनेशन तो डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी कितना हो गया, प्लस हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और यानी ये यू बी माइनस यू ए इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और ये तो जीरो ही है नेचुरल लेंथ पर जो था, तो यानी यू इक्वल टू यू बी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या लेना है, हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर लेना है। अगर एक्स नॉट का कंप्रेशन है या एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, दोनों केस में हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी इसकी पोटेंशियल कंप्रेशन एक्सटेंशन पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। समझ में आया? यस सर। लिख लो इसको भी।
गया सर लिख के। ठीक है, तो ये हमारे पास में इन ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा? एक तो वेट वाला जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, और एक स्प्रिंग फोर्स का। ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इन्हीं से रिलेटेड करेंगे, है ना। तो ये दोनों अच्छे से समझ में आने चाहिए, और याद अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले याद कर लो फिर समझ लो कैसा होता है। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन करने होने लगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिया मैंने कैसे करना है। एक ये भी बताता हूं मैं आपको, ये तो स्प्रिंग का हो गया। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के केस में बात कर लेते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, है ना। इसमें दो हाइड्रोजन है, तो यहां क्या होता है, यहां प्रोटॉन होता है, यहां भी प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता है। लेकिन आप देखोगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक कर रहे होंगे। यहाँ भी ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक कर रहे होंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर ए मान लो, तो जनरली ये देखा गया हमेशा एक कॉन्सेप्ट वैलिड होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला यहाँ निकल के आया इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का, वाया ए बाई आर टू पावर 12 माइनस बी बाई आर टू पावर 6, जहां आर इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस है और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू एटम्स। तो ये पोटेंशियल है, इसका मतलब यहां देखो आर की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखोगे तो पोटेंशियल वहां क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज टेकन एट इन्फिनिटी where potential energy is equal to zero, where potential energy is zero। okay, ये इसका graph जो मिलता है, दरअसल इसका graph ऐसा होता है। ये U है और ये R है, इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ मिलता है। और ये जो पॉइंट होता है, ये बताऊंगा आगे चल के मैं, ये पॉइंट ये वैल्यू होती है दरअसल R इक्वल टू R नॉट, या इसका स्लोप क्या है, देखो ये स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब ये क्या हो, यहाँ फोर जीरो हुआ ना। तो ये मैंने आपको याद है एक पॉइंट लिखवाया था ऊपर पहले, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, और डी यू बाई डी आर क्या है, इस कारू का स्लोप है ना। तो यहाँ फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, यानी ये क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा, इनके बीच में एटम के बीच में। और इसके बाद यहां से लेकर, यानी ये वाला जो कर्व है ये रिपल्शन का कर्व है। मतलब क्या हुआ कि दो एटम को अगर हम पास लेकर आए, मान लो जैसे कि दो एटम है,
और इनसे मॉलिक्यूल बन गया, तो अभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब सारे फोर्सेस, जैसे ये फोर्सेस बोल रहा हूँ मैं, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो नेट फोर्स क्या होगा, हर एक पर जीरो होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर नॉट है, लेकिन अगर इससे डिस्टेंस आपने इंक्रीज करी तो ये क्या करेंगे, वापस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर डिस्टेंस कम करी, मान लो आपने डिस्टेंस कम करी, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो वो ये यहां से लेकर, कहां से लेकर रिपल्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर अगर डिस्टेंस कम करते गए या आर इक्वल टू जीरो क्या, तो रिपल्शन क्या होगा, देखो आर इक्वल टू जीरो पर रिपल्शन इनफाइनाइट हो रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो आर नॉट से आर डिस्टेंस अगर ले गए तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और आर नॉट से इन्फिनिटी की तरफ अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाते गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऐसा इसका मतलब निकलता है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं एफ इक्वल टू जीरो, यानी आर इक्वल टू आर नॉट क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम मतलब जहां नेट फोर्स जीरो होगा, ये लिख लो आप लोग। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर आ रही है। ये तो मेरे ख्याल से आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वाला पार्ट, तो ना? यस सर। तो R इक्वल टू आर नॉट पर स्लोप क्या है, यहाँ जीरो है, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अभी मैं इसका अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं आपको देंगे पहले और चीजें करवा देता हूं मैं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभी आप डीपीपी करो, नेक्स्ट जो डीपीपी है सेवन तो गया ना, तो एट और नाइन। यस सर। ये होमवर्क है भी आपका, और एनसीईआरटी कर रहे हो ना आप लोग। अच्छा किसी ने मेरे से इम्पल्स के बारे में पूछा था, मैं आपको संडे को बताऊंगा इम्पल्स के बारे में, है ना, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा इम्पल्स को लेकर, आप मुझे याद दिलाइएगा इंपल्स को लेकर, है ना। हाँ वैसे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब सेंटर ऑफ मास आपको पढ़ाऊंगा, है ना, वहाँ पूरा काफी इंटेंसिव स्टडी करेंगे हम लोग। तो मैं एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, आर लेस देन आर नॉट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके लिए होगा दरअसल रिपल्शन, और आर ग्रेटर देन आर नॉट एंड लेस देन इन्फिनिटी, इसमें होगा अट्रैक्शन। तो आज इतना ही, ओके?